हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4। अब देखिए 3.4 में आज हमें जो पढ़ना है सब्ट्रैक्शन, वो है कैरी वाला। देखिए 3 में से 7 माइनस हो नहीं सकता। जब भी हम माइनस होता है तो यहाँ पे कोई बड़ा नंबर होता है तभी तो उसमें से माइनस कर सकते हैं। 3 पहले से छोटा, उसमें से 7 हम कैसे निकाल दें, तो कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ से हम कैरी लेते हैं, तो यहाँ से जब हम कैरी लेंगे बगल वाले से, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 7, क्योंकि 8 में से 1 अगर जब इसको दे देगा तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। और जब एक दे देगा अपने में से तो यहाँ कितना हो जाएगा 7। तो 13 में से 7 बच जाएगा तो बचेगा 6। अब देखिए 7 में से 9 माइनस होगा, नहीं माइनस होगा। अब देखिए 8 यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, बस 7 बचा है। तो अब यहाँ से कैरी लेंगे तो यह हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा 17। तो 17 में से जब 8 माइनस होगा तो आएगा 8, और 4 में से 1 माइनस होगा तो कितना आएगा 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 386। देखिए 9 में से 6 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, ठीक है ना, ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, तो बड़े नंबर में छोटा नंबर माइनस होता है। 9 माइनस 6 कितना आएगा 3। अब देखिए 5 में से 8 माइनस हो सकता है, नहीं। तो यहाँ से कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 15। 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 7, और यहाँ पे 1 है तो हो जाएगा 173। फिर देखिए 4 8 है, 4 में से 8 माइनस होगा नहीं, तो यहाँ से कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 14। 14 माइनस 8 कितना होगा 6। और देखिए 1 में से 8 माइनस होगा, नहीं। अब यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 11, ठीक है ना। तो 11 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। और 5 माइनस 5 जब सेम नंबर होते हैं तो क्या आता है आंसर, 0, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं डी पे। तो डी नंबर क्वेश्चन भी हमें ऐसे ही करना है। देखिए यहाँ पे 0 है तो ये बेचारा देगा कैसे, ठीक है। 2 में से 8 तो माइनस होगा नहीं, अब इससे उधार ले भी नहीं सकता क्योंकि ये 0 है, खाली है, पहले भिखारी बना हुआ है ये। तो हम क्या करेंगे, इससे लेंगे। तो 8 पहले किसको देगा, 8 से जब 1 किसको देगा तो यहाँ तो हो जाएगा 7, लेकिन यहाँ हो जाएगा 10। तो 10 हो गया यहाँ पे। अब ये 10 जब इसको देगा तो 10 जब इसको देगा तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 9, और यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 4, 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 3, और 7 में से 7 जाएगा 0, क्योंकि जब सेम नंबर होते तो आंसर क्या आता है 0। 7 माइनस 8, क्या 7 में से 8 माइनस होगा, नहीं। यहाँ पे 0 में से कैरी दे भी नहीं पाएगा, तो कैरी कहाँ से लेंगे, पहले ये कैरी इसको देगा तो यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 6। अब देखिए ये 10 यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ से 17, 17 में से 8 माइनस होगा तो आएगा 9, 9 में से 1 माइनस होगा तो आएगा 8, 6 में से 5 माइनस होगा तो आएगा 1। अब देखिए 1 माइनस 3, तो 1 में से 3 माइनस होगा नहीं, तो यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 11, 11 माइनस 3 कितना आएगा 8। अब देखिए यहाँ पे 1 और ये 1, तो 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 3 कितना आएगा 3। फिर यहाँ पे देखिए जी नंबर पे 3 9, तो 3 में से 9 माइनस होगा नहीं, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 13, 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा 4। 1 में से 6 माइनस होगा, नहीं, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 6 माइनस होगा तो कितना आएगा 5, और 3 में से 1 माइनस होगा तो कितना आएगा 2। अब देखिए 7 में से 9 माइनस होगा नहीं, तो हो जाएगा 17, ये इसको कैरी देगा तो यहाँ हो जाएगा 2। तो 17 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 8, 2 में से 1 जाएगा 1, और 6 में से 5 जाएगा 1। अब देखिए ये 0 है तो ये 0 में से 1 माइनस होगा नहीं, और ये इससे कैरी लेगा नहीं, तो कैरी कैसे लेंगे 7 से, 7 के यहाँ पे हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10। अब ये 10 इसको कैरी देगा तो यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ कितना हो जाएगा 9। तो 10 में से 1 माइनस होगा तो कितना आएगा 1, और 9 में से 1 माइनस होगा तो आएगा 8, और 6 में से 2 माइनस होगा तो कितना आएगा 4। यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है ना। देखिए 10 माइनस 1 9। अगला है आपके सामने जे नंबर। देखिए अब कैरी हमको कहाँ से लेना पड़ेगा, यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 10, तो यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 13। 13 में से 7 जाएगा ना बचेगा 6, 9 में से 9 जाएगा 0, 3 में से 1 जाएगा 2, 8 में से 9 माइनस होगा नहीं, तो यहाँ से कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 15, 18 माइनस 9 कितना आएगा 9, 15, 5 5 माइनस 5 0, और 7 में से 2 माइनस होगा तो कितना आएगा 5, 5 में से 3 माइनस होगा तो आएगा 2। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 5 जाएगा कितना आएगा आपका 8, और यहाँ पे 8 माइनस 6 ना आएगा 2। अगला एम नंबर, 9 माइनस 8 कितना आ जाएगा 1, क्योंकि 9 बड़ा है 8 से, तो माइनस हो जाएगा। 3 में से 6 माइनस होगा नहीं, तो यहाँ आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 13, 13 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 7, और 3 माइनस 1 2। 4 में से 8 माइनस होगा नहीं, तो यहाँ से कैरी लेंगे, हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 14, 14 में से 8 जाएगा 6, 8 में से 4 जाएगा 4, 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2। अब देखिए यहाँ पे कैरी लेंगे, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 18, 18 में से 9 9 होगा, 8 माइनस 8 0 होगा, 6 माइनस 5 1 होगा,
यहाँ पे वन होगा इलेवन, इलेवन माइनस नाइन टू, वन में से नाइन जाएगा नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा एट, यहाँ हो जाएगा इलेवन, इलेवन माइनस नाइन कितना होगा टू, और यहाँ पे एट माइनस सिक्स कितना होगा टू, ठीक है। अब देखिए सेवन माइनस एट माइनस होगा नहीं तो यहाँ हो जाएगा सेवन और यहाँ हो जाएगा सेवनटीन, सेवनटीन में से एट जाएगा कितना आएगा नाइन, ठीक है। फिर सेवन में से नाइन होगा नहीं तो यहाँ हो जाएगा टू, यहाँ हो जाएगा सेवनटीन, सेवनटीन में से नाइन जाएगा तो बचेगा एट और यहाँ पर टू माइनस वन वन आएगा। अब यहाँ पे आते हैं फोर माइनस नाइन होगा नहीं, यहाँ पे हो जाएगा एट, यहाँ पे हो जाएगा फोर्टीन, फोर्टीन माइनस नाइन कितना होगा फाइव, एट माइनस फोर फोर, और एट माइनस फोर कितना होगा फोर। तो यहाँ पे दोस्तों एक्सरसाइज 3.4 खत्म होती है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.5, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।